आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। सीजनली अगर गोभी मिलता है तो गोभी मंचूरियन तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि जब गोभी से मंचूरियन बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है खाने में, और ये गर्मा गर्म हो तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों आप देर मत कीजिए, आप भी बनाना शुरू कीजिए ये गोभी मंचूरियन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, गोभी मंचूरियन को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम के आसपास मैंने गोभी ले लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश वाला है। अब आपको देखना ये है कि मैं इस गोभी में क्या क्या चीज मसाला ऐड करता हूं और क्या कुछ मैं इसमें डालता हूं, जो कि आपको पूरा वीडियो के डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच कर्नफ्लावर डालूंगा, जिसको हम लोग अरारोट भी कहते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाता है। अब ये 2 बड़ी चम्मच मैंने मैदा को ऐड किया है। अब ये 2 बड़ी चम्मच है जास्ती माव, जिसको चावल का आटा भी कहते हैं। अब इस गोभी में मैं सारे मसाले को ऐड करूंगा। ये 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये 1/2 टी स्पून पेपर पाउडर, और ये है 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर जिसको क्रिंडर पाउडर कहते हैं, और ये 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर, और ये 1/2 टी स्पून चाट मसाला, और ये है धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 1/2 छोटी चम्मच मैंने डाला है। अब ये है 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। आप इसमें ज़्यादा पानी को ऐड ना करें, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा, तो इसमें सारे मसाले अच्छे से चिपक नहीं पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर देने के बाद करना क्या है, रिफाइंड ऑयल को लेना है, इसको अच्छे से गर्म करना है, और गर्म करने तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद सारे को इसमें डाल देना है, सारे गोभी को इसमें बारी बारी से डालना है। आप चाहो तो आप इसको हाथ से भी इस गोभी को डाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से मैंने इसमें डाला है। तो फाइनली इसको पकने तक आपको वेट करना होगा, लगभग इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रहने देना है इस कढ़ाई में। और जब देखेंगे जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप समझेंगे कि अच्छे तरीके से पक गया है। आप चाहो तो इसको हाथ से भी तोड़कर देख सकते हैं ये पका है कि नहीं। तो फाइनली ये अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं इसको बाहर की ओर निकाल देता हूँ। और मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। आप चाहो तो इसके जगह पर बटर का यूज कर सकते हैं। तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च लिया है, जिसको बड़ा वाला मिर्च भी हम लोग कहते हैं, और बारीक कटा हुआ इसमें लहसुन का भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं इसमें मसाला को ऐड करूंगा। तो मैं सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच से कम मैंने नमक डाला है, 1/2 छोटी चम्मच से कम मैंने लाल मिर्च पाउडर, चिकन पाउडर, पेपर पाउडर, और जितना भी मसाला है, जितना भी मैंने मसाला लिया था, सारे को ऐड कर इसको अच्छे से भूंजना है। उसके बाद इसमें मैंने चास डालेंगे, टमाटो सॉस जिसको हम लोग कहते हैं, इसको भी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो हम लोग गोभी मंचूरियन बना पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों एक सॉस और है, इसको नाम है सोया सॉस। चाहो तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो फाइनली दोस्तों एक सॉस और है जिसको रेड चिल्ली सॉस कहते हैं, ये सब मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों इतना सॉस डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको चलाना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने मीडियम फ्लेम को भी रखा है, अब फ्लेम को हाई ना करें, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना ही पड़ेगा, और आपको ध्यान देना होगा कि इसको इसमें मसाला थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगी आपकी मंचूरियन। तो फाइनली दोस्तों देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है मंचूरियन के लिए, और मैंने गोभी को भी अच्छे से तल कर मैंने रख दिया था। तो फाइनली दोस्तों ये गोभी है जिसको मैंने पहले ही पका लिया था। अब मैं इस गोभी को इसमें डालूंगा और गोभी मंचूरियन बनाकर तैयार करूंगा। तो फाइनली दोस्तों देखते हैं कि कैसा बनता है ये गोभी मंचूरियन। तो देखेंगे कुछ ही समय में गोभी मंचूरियन बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये गोभी मंचूरियन बनकर के तैयार हो गया है, और ये गर्मा गर्म भी है, देख रहे हैं किस तरह से ये भाप छोड़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर कटिंग किया हुआ प्याज डालूंगा, कटिंग किया हुआ मैंने धनिया डाला है, हरी धनिया का पत्ता है, और उसमें मैंने कैरेट को भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, इससे खाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे ये गोभी मंचूरियन अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसको खा सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने घर में बनाकर खाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ कोई भी रेसिपी बनाना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में,